आप स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ का कितना बढ़िया है, और उसमें जो है मिट्टी है। आगे से हम देखने का कोशिश करेंगे, दिखाने का। देखिए आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए, तो हम आपको इस तरह का चीज हम और आगे दिखाते रहेंगे। गाइस देखिए यहाँ पर जो कसीदाकारी सब है कितना मस्त है, और ये काला कोयला जो है इस बात का सबूत है कि कितना भयानक रूप से इस पे आक्रमण किया गया था तोप और गोला से। देख लीजिए यहाँ पर भी इसका कारखी देख रहे हैं, अभी तक हाथ में लगता है। देखिए ये सब आपको सबूत है इस चीज का कि कितना बेरहम तरीका से इस पे जो है एक पढ़ने वाला, एक शिक्षा ग्रहण करने वाला यूनिवर्सिटी पे अटैक किया गया था। पौराणिक देवी देवताओं का भी यहाँ पे टेराकोटा बनाया हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि किस, ये जो है बुद्ध भगवान है, जिस तरह से पता चलता है ये बजरंगबली है। देख सकते हैं इनका पूछ पीछे से निकला हुआ है, इसको तो खैर मतलब कि यहाँ देख लीजिए ये, और इस टाइप का कितना ज्यादा, ये देखिए मार के जो है बम क्या कर दिया था। ये अजंता शैली में बना हुआ एक मूर्ति है, बहुत सारा रहस्य अभी भी बचा हुआ है इसमें जो कि आदमी लोग पता नहीं लगा पाया है। ये जो गाइज आप देख रहे हैं ये जो पत्थर है, ये ऐसे ही पत्थर नहीं है, यहाँ पे एक पिलर हुआ करता था। जितना भी आप पत्थर देख रहे हैं इस सब जगह पे एक एक जो है पिलर खड़ा था, बड़ा बीम खड़ा था। ये देखिए यहाँ पर भी जो है एक पिलर हुआ करता था, यहाँ भी हुआ कर। अब इस तरीके से आप अनुमान लगाइए कि कितना भव्य लगता होगा। और यहाँ पर भी जो आप ये देख रहे हैं ये काला पत्थर, मतलब कि समझ लीजिए गाइस यहाँ पर भी एक विशाल काय बीम हुआ करता था, विशाल काय पिलर हुआ करता था। इस तरफ भी, इस तरफ भी और उस तरफ भी, हर जगह जहाँ पर आप इतना बड़ा बड़ा काला पत्थर देख रहे हैं, और देख लीजिए एक पिलर वहाँ भी है। तो हम इधर से अभी आगे चलेंगे और आपको हम दिखाएंगे गाइस, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और हर जगह जहां जहां आप पत्थर देख रहे हैं हर जगह एक पिलर हुआ करता था, ये भी उधर भी, मतलब इस बात से आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा भवन हुआ करता होगा एक समय में, जबकि यहाँ पे पढ़ाई होती थी, अच्छे अच्छे देशों से लोग यहाँ पे पढ़ाई करने आते थे। ये देखिए हर जगह, और ये जो है सबसे पीछे का पोर्शन है, हम आपको इस साइड दिखा दिए। ये सब पाया हुआ करता था, पाया सब ईटा है, बाप रे। आजकल का किसी का बाप भी ऐसा ईटा नहीं बना पाएगा। यहाँ पर जो बुद्ध की मूर्ति रखी हुई थी, मैं चप्पल पहन के उधर नहीं जाऊंगा, तो ये देखिए ये है घड़ा। ये घड़ा को आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे विद्यार्थी लोग आते थे पानी पीने के लिए। आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई नहीं जा सकता है, यहीं पे मूर्ति हुआ करता था भगवान बुद्ध का, और जो मूर्ति अभी पटना म्यूजियम में रखा हुआ है तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। यहीं पर बुद्ध का मूर्ति रखा हुआ था, तो अब हम चलेंगे लाइब्रेरी के तरफ, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये चारों तरफ जो है, यहीं से सीधा हिलते हैं ऊपर और इधर से जा करके इधर चढ़ जाते हैं, तो इधर से रास्ता है लाइब्रेरी जाने का। चलिए ये मेन बिल्डिंग से जैसे ही आप इधर आएंगे तो यहाँ पे कुछ छोटा ऐसा और टिल्ला है, इस पे भी हम चढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे। वाओ कितना सुंदर है गाइस, क्या भैया न है।
खिलजी बरघई से बम मार दिया, उसका देह में बम मार देते, यहाँ रहता मारते है कि नहीं? तो एक बार हेलो गाइस बोल दीजिए भैया, हेलो गाइस, थोड़ा जोर से बोलिए, हेलो। तो थोड़ा सा आपको हम लाइब्रेरी की तरफ ले चलते हैं, लाइब्रेरी की तरफ चलिए। ये वाला टिल्ला जो है उससे एक रास्ता इधर खोपचा तरफ जाता है जो कि कोई नहीं जाता है, हम आपको लेके जा रहे हैं, ठीक ना? ब्लॉग में बने रहिए, देख लीजिए इधर से हम लोग लाइब्रेरी आपको लेकर के जा रहे हैं। इस साइड आपको कोई नहीं लेकर के आया होगा, लेकिन हम आपको दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। देखिए ये जो गाछ आप देख रहे हैं यूकलिप्टस का, आप इस साइड बढ़िएगा, जैसे आप सीधा बढ़िएगा एकदम मेन गेट से सीधे सीधा आप आ जाइएगा तो आपको जो है यहाँ पे मिलेगा लाइब्रेरी, जो कि मेन बिल्डिंग से मात्र 100 मीटर के दूरी में है। ये विक्रमशिला का मेन बिल्डिंग है और यहीं पर एक गुफा है, हम आपको घुस के दिखाते हैं। बंद कर नहीं। ये जो आप देख रहे हैं इधर गुफा है, ये देखिए, उनको बहुत डर भी लग रहा है। ये देखिए खतरनाक, फिर वहां से उस साइड चला जाता है। तो अब हम हिम्मत नहीं कर रहा है उधर उस साइड जाने का है, चलो पकड़ो। तो आप लोग देखे कि विक्रमशिला में कैसा एक गुफा भी है लाइब्रेरी में, जो कि 775 ईस्वी में बनने का काम शुरू हुआ था, ठीक गाइज, और 800 ईस्वी तक बनते रहा, और उसके बाद 800 ईस्वी के बाद इसको पढ़ाई के लिए खोल दिया गया था। उसके बाद जो है 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी साहब जो है उसको देखा नहीं गया और ऐसा पढ़ने लिखने वाला यूनिवर्सिटी पे बम गिरा दिया, मार दिया, पूरा तबाह कर दिया, ध्वस्त ध्वस्त कर दिया। देख रहे हैं, अरे वाह, पिलर पिलर सब गिरा हुआ है गाइज, मतलब ये सब भी एक धरोहर है, ये देख सकते हैं पिलर। उस टाइम जो बड़ा बड़ा क्रेन, बड़ा बड़ा पोपलैन वो सब नहीं हुआ करता था, उस टाइम ऐसा ऐसा चट्टान को ला करके रखा गया था। जो है तिब्बती मंदिर, TIBETAN, टाइबेटन टेम्पल, इसमें जो है हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे क्योंकि हम चप्पल पहन के नहीं जाएंगे। तो ये देख लीजिए, तिब्बती मंदिर था जिसको कि यहाँ पे भी पिलर हुआ करता था, वहाँ पर भी पिलर था, और ये सब पिलर गिर गया है, और जीता जागता सबूत ऐसा ही पिलर हर जगह था, जहाँ भी आप टूटा हुआ पिलर देखे, मैन उधर भी, मेन बिल्डिंग में भी, इस साइड भी, और बुद्ध मूर्ति जहां है वहां भी। अरे गुफा तुफा में घुस गए आपके लिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तब, नहीं तब कोई दिक्कत तो नहीं, अगर अच्छा लगे तब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो कुछ मत कीजिए, ठीक? तो उससे पता चल जाएगा कि हम ब्लॉगिंग के लिए नहीं है, तो ठीक है, अब हम घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो ठीक है गाइज, हम अपना ब्लॉग यहीं पे बंद करते हैं।